आप सभी दोस्तों का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बरबीना के प्लांट पे। दोस्तों विंटर सीजन का बहुत खूबसूरत ये प्लांट है, तो ये आपको नर्सरी पे कई कलरों में मिल जाता है। जैसे ही विंटर सीजन की स्टार्टिंग होती है तो नर्सरी पे ये प्लांट आना शुरू हो जाता है। शुरू में इसके रेट 40 से 50 रुपये होते हैं, और जब विंटर का लास्ट टाइम आ जाता है तो ये प्लांट आपको 10 रुपये 20 रुपये ऐसे मिलने लगता है। जो मेरे घर के पास नर्सरी है वहाँ पे ये प्लांट इस समय 10 रुपये मिल रहा है, और जो कि शुरू में ये प्लांट 40 रुपये मिल रहा था। तो दोस्तों कई कलरों में आता है, काफ़ी खूबसूरत कलर होते हैं। और दोस्तों इसको आप 8 से 10 इंच के गमले में लगाएं तो ये बहुत ही घना प्लांट हो जाएगा, और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो गुच्छों में निकलते हैं। तो आपके जब भी ये फ्लावर गुच्छों में निकलें तो ये कई दिनों तक रहते हैं, उसके बाद जब ये मुरझाने लगें तो आप इनको कट कर दें तो इनकी जगह फिर नए फ्लावर आने लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्लावर का जो कलर है वो काफ़ी डार्क कलर हो तो आप इसमें विनेगर मिला सकते हैं, पानी में 1 से 2 बूंद मिला के विनेगर, और इसकी मिट्टी में अगर आप डालेंगे तो मिट्टी एसिडिक होएगी, जिससे यह फूलों का साइज जो बढ़ेगा और कलर भी काफ़ी खूबसूरत आएंगे। तो दोस्तों इसे खाद दी जाए तो आप इसको एक बार महीने में 2 से 3 दाने DAP के डाल दें, और या अगर आप पे DAP नहीं है तो आपके जो नर्सरी पे जो खाद अवेलेबल हो उस खाद को आप डाल दें तो काफ़ी अच्छे से ये प्लांट चलेंगे आपके। तो दोस्तों इस समय ये प्लांट आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों विंटर का लास्ट टाइम चल रहा है, फिर भी आप ये प्लांट ले जाएं तो आपका ये 1.5 से 2 महीना आराम से चलेगा। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर नर्सरी पे आए उसे बाय करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।